डेयरी मिल्क चॉकलेट मेकिंग। दोस्तों जब भी फेवरेट चॉकलेट की बात आती है तो हम सबकी फेवरेट डेयरी मिल्क कैटबेरी का नाम आता है। लेकिन दोस्तों समय समय पर ये न्यूज हमारे सामने आती रहती है कि इसमें सुअर का मांस मिलाया जाता है। इस बात की सच्चाई हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन क्या आपको पता था कि डेयरी मिल्क को शराब की अल्टरनेटिव में बनाया गया है? जी हाँ, इसका मतलब शराब छोड़ो और डेयरी मिल्क खाओ। दोस्तों डेयरी मिल्क बनवाने के लिए सबसे पहले घाना देश से कोको बीन्स मंगवाई जाती है। इसके लिए घाना देश के कोको लाइफ फाउंडेशन में काम करने वाले लोग पेड़ों से बेस्ट क्वालिटी कोको फल निकाल लेते हैं, फिर बाद में उसको तोड़कर कोको बीन्स निकाल लेते हैं। इसके बाद कोको बीन्स को अच्छी तरह सुखाकर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इनकी सफाई करके अच्छी तरह से रोस्टिंग कर दिया जाता है। रोस्टिंग में डालने के बाद इसको ग्राइंडर में डाल के बारीक पाउडर बना लिया जाता है। इस पाउडर में फ्रेश क्रीम और शुगर मिलाया जाता है ताकि ये कड़वा कोको पाउडर मीठा बन जाए, और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद इस पेस्ट का वैक्यूम ओवन की मदद से वापस पाउडर बना लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे दो बार पाउडर क्यों बनाया जाता है। दोस्तों पाउडर से लिक्विड और लिक्विड से पाउडर, इस प्रोसेस को 3 मर्तबा किया जाता है। इसको जितनी मर्तबा किया जाएगा उतना ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा, और इसी दौरान इसमें कोको बटर और सीक्रेट रेसिपी भी मिला दी जाती है। और फाइनली इस रेडी पेस्ट को साचो में डालकर 40 मिनट तक फ्रीज किया जाता है। लेकिन पैकिंग करने से पहले दुनिया के सबसे माहिर टेस्टर और कंप्यूटर की मदद से इन चॉकलेटों की टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही इनकी पैकिंग की जाती है। यहाँ दोस्तों ये बात सच है कि चॉकलेट में गाय का मांस मिलाया जाता है। कैडबरी कंपनी ने खुद ही ये बात कही है कि हमारी चॉकलेट में गाय का मांस होता है, लेकिन जो भी चॉकलेट इंडिया में बनाई जाती है उसमें मांस नहीं मिलाया जाता है। दोस्तों आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।